जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, में हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। कोई भी इमारत बनाने से पहले नक्शा पास होता है, नक्शा पास होता है, योजना होती है, योजना के बाद में महल तैयार होता है। तो महल की कहानी कैसे बनाते हैं ये तो हम आपको हमने बता दिया कि नक्शा के बगैर, योजना के बगैर कोई काम नहीं होता। लेकिन आज हम बताएंगे, हम पहुंचे हैं इस समय इंद्रवीर सिंह बुलारिया MLA, और ये जो पोस्टर लगे हैं ये पोस्टर की दास्तां बताते हैं। ये पोस्टर रातों रात लगे हैं और पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर, पूरे पंजाब, पूरे देश, पूरी दुनिया में एक जिज्ञासा थी, एक कौतूहल था कि आखिर बुलारिया जी क्या करने वाले हैं। कोई कह रहा था कि आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, कोई कह रहा था कि अपनी वेब पोर्टल बनाएंगे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये तो यकीनन सही है, 100% सच है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के बुलारिया नहीं हैं, सिद्धू के खास खेमे हैं। और सिद्धू के कहीं ना कहीं कहीं भी जाते हैं सिद्धू तो स्टेयरिंग जो होती है बुलारिया के हाथों में होती है। तो हम बुलारिया की कोठी में पहुंचे हैं। पूरा शहर यही सोच रहा था कि 7 तारीख को क्या होगा, तो 7 तारीख को एक गेम हुई है और ये गेम सियासत में हुई है। तो बुलारिया साहब ने एक सोची समझी गेम खेली और वो गेम ये है। तो 60 इन्होंने टैबलेट देने का वादा किया है और ये क्विज गेम है फेसबुक पे। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के, यानी कि बच्चों को रिझा कर वोट डालने का एक तरीका हो सकता है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में युवाओं के हाथों तक पहुंचे। लेकिन ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं, सियासत से जुड़े हैं। ये कोई क्विज प्रतियोगिता तो नहीं खेल रहे थे। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, बड़े बड़े शहरों में बोर्ड लग गए, यहाँ तक कि TV में ये निशान कवरेज के लिए यहाँ पे लोग आए। लेकिन इन्होंने सस्पेंस बरकरार रखा और कहा कि 7 तारीख को बताएंगे। तो 7 तारीख को ये एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, इंद्र सिंह बुलारिया वीडियो गेम खेल रहे हैं। और घर पे हमने इनसे बात करने की चाहा तो कहते हैं कि 12:30 बजे के बाद मुलाकात होगी। लेकिन हम आपको बताते हैं, कहानी यही है, कहानी ये है, कहानी पोस्टर की है। तो पोस्टर की कहानी, बैनर की कहानी, एक विधायक, हाँ मैं मानता हूँ इंद्रवीर सिंह बुलारिया डिक्लेयर करते कि उनके इलाके में नशा नहीं बिकेगा, अगर वो आज कहते कि उनके इलाके में दड़ा सट्टा नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा योगदान होता बुलारिया के लिए। बुलारिया ने केवल एक गेम खेली है, सियासत की गेम, लेकिन ये सियासत के पिच पे ओछी गेम है, बहुत ही ओछी गेम है। सोशल मीडिया पे बुलारियों के खिलाफ बच्चों ने भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है कि आखिर बुलारिया कर क्या रहे हैं। तो बुलारिया ये कर रहे हैं पोस्टर, ये बैनर, ये बैनर और ये पोस्टर की कहानी ये है। सियासत में उतर कर अगर बुलारिया ये कहते कि 7 तारीख के बाद उनके इलाके में नशा नहीं बिकेगा, अगर वो कहते 7 तारीख के बाद में उनके इलाके में दड़ा सट्टा नहीं लगेगा, अगर वो कहते कि उनके इलाके में नाजायज बिल्डिंगें नहीं बनेंगी, अगर वो कहते उनके इलाके से डंप हटेगा, अगर वो कहते उनके इलाके में सियासत की ज़मीनों पर कब्जा नहीं होगा, तो बुलारिया की एक बड़ी गेम होती। लेकिन बुलारिया ने बड़ी अच्छी गेम खेली है, पोस्टर गेम। पूरे शहर की सियासत, पूरे देश की सियासत बुलारिया ने ताक पर रख दी और आखिर आ गए एक 60 मोबाइल क्विज प्रतियोगिता फेसबुक पर। तो सोशल मीडिया है, जमाना सब कुछ कहता है, सब जानता है। स्पेशल रिपोर्ट सफर शुक्ला, जैन जवाब। हेलो हेलो, बुलारिया साहब से बात हो सकती है? लाइव भारत से बोलो। हाँ जी बोलो। बुलारिया साहब, ये जो आपकी पोस्टर पब्लिसिटी थी आज जो आपने ये लगाया है, ये क्या चीज है? पूरा शहर, पूरा देश ये सोच रहा था कि बड़ा कुछ बड़ा होगा, ये क्या है सर? कुछ समझ में नहीं आया। आपने जो पिछला पोस्टर देखा था जी, उसमें क्या बना था? उसमें था कि आपने रिचार्ज करवा के रखे बच्चों से कहा था। हाँ, तो एक बच्चा बना था, उसने मास्क पहना हुआ था। जी जी। तो बच्चा, मास्क और एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था। जी ठीक है जी। तो ये तीनों क्या संकेत देते हैं? बिल्कुल ठीक है, आपने जब कोई भी संकेत दिया ये तो आप ही जाने, लेकिन पूरा मीडिया, पूरी सियासत हिल उठी थी कि कहीं आप में ना चले जाएं। कोई कह रहा था कुछ कर... अरे सर, चर्चाएं थी, चर्चाएं थी कि बुलारिया आप में ना चले जाएं, केजरीवाल आ रहे हैं, चर्चाएं चर्चाएं। देखिए, हमने साफ पोस्टर पे क्या लगा था, एक बच्चा था, बच्चे ने मास्क पहना हुआ था और एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था। ये तीन संकेत क्या देते हैं? एक बच्चे का मतलब कि ये कुछ बच्चों के लिए आ रहा है। अगर बच्चे ने मास्क पहन रखा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ संदेश दे रहा है, एक बच्चा संदेश दे रहा है कि कोविड का अवेयरनेस के लिए, कि कोविड
की तीसरी लहर आ रही है उसके लिए, और अगर साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो इसका मतलब ये तीनों चीजें संकेत करती हैं कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल आ रहा है। बुलारे साहब, आपकी तरह सभी समझदार नहीं हो सकते, आपकी तरह सभी के समझदार नहीं हो सकते बुलारे साहब, लेकिन आप ये एक बात हो रहा है, एक बात मेरी बात सुनेगा, इस बात को बात का बतंगड़ कोई कैसे बता दे वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल सही बात, मैंने कहा था अगर हमने स्कीम लॉन्च कर दी है आज हमने स्कीम लॉन्च कर दी है और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में सारा बताऊंगा। एक कॉन्टेस्ट है बच्चों के लिए जिसमें उनसे कहा, बच्चों को रिक्वेस्ट की गई है, उनसे कहा गया है कि इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें, जिसके अंदर उन्होंने 2 मिनट का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, चाहे ट्विटर है, चाहे फेसबुक है, चाहे टिकटॉक है, कोई भी, चाहे मेम बनाने हैं, कुछ करना है, पेंटिंग बनानी है सिंपल, कुछ आर्टिस्टिक रूप के अंदर 2 मिनट के अंदर बड़ों को कैसे अवेयर किया जाए कि वो वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि अमृतसर साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी और अमृतसर शहर 100% वैक्सीनेट हो जाए। तो ये मुहिम है और उसके लिए हमने कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है, अमृतसर लिटिल चैंप कॉन्टेस्ट। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपकी तरह समझदार इतने बाकी लोग नहीं है, दुनिया नहीं है। लेकिन अगर आज 7 तारीख से आप कहते कि मेरे इलाके में दड़ा सट्टा नशा बंद हो जाएगा, मैं बिकने नहीं दूंगा, दड़ा सट्टा होने नहीं दूंगा, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, तो आप एक इतिहास रच देते बुलारिया जी। नहीं, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ, उसमें इतिहास की क्या बात है। तो सर मैं तो पहले कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। तो आपके आपके इलाके में हो रहा है, आप पुलिस को तानते क्यों नहीं? सबसे ज्यादा इलाके में दड़ा सट्टा नशा बिक रहा है। अरे आप एक्सपोज कीजिए ना, हो रहा है, आप एक्सपोज कीजिए, आप पत्रकार है। चलिए ठीक है जी, हम बिल्कुल करेंगे कब्जे के एक्सपोज, पूरा उसको एक्सपोज कीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने लाइव बातचीत की। जी सर, ठीक, मैं आपके साथ हूँ। राइट सर।